हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य, AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इस लेक्चर में। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक लेवल पर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे आप पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर आप BSc हो, MSc, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए जनरली हम 12th लेवल में जो एडजॉइंट का यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है फाइंड करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, उस पर बात करने वाले हैं। सिंपल देखिए, तो सबसे पहले इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन की बात कर लें, फिर उसके बाद हम इस पे प्रोसीजर वर्किंग रूल पे बात करेंगे कि हम कैसे आपका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप इसको फाइंड आउट करोगे। इफ ए इज नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मतलब आपका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी, कोई मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट होगी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये आपका एग्जिस्ट होगा, ठीक, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। देन द मैट्रिक्स बी इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, देन द मैट्रिक्स बी इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय दिस, ये इसका सिंबल हो गया। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई आपके इस मैट्रिक्स की, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सिर्फ आपको रो ऑपरेटर्स को अप्लाई करना है, उसके हेल्प से आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करना है। इसको हम गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम कभी कभी गॉस जॉर्डन मेथड भी कहा जाता है। तो आइए आगे इसके बाद में बात करते हैं, हम पहले फर्स्ट उसके बाद वर्किंग मेथड पे बात करेंगे। देखिए, ए रिड्यूस टू आई बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देन सपोज दिस इज बी ए इज इक्वल टू आई है, तो ए को हमें क्या करना है, आपको एलिमेंट्री रो आई रिड्यूस करना है। आई को किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो जो बचेगा बी इज इक्वल टू फिर हमारा क्या होगा, ए इनवर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि इफ ए इज द रिड्यूस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको कि हम ध्यान रखेगा, ए इज रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस टू आई बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ए को रिड्यूस करना है, जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, वेयर, जैसे यहाँ पे वेयर बी की अगर हम बात करेंगे तो जो मैट्रिक्स बी होगा, ठीक है, यहाँ से bn, bn माइनस वन और डॉट डॉट बहुत सारे वर्क होंगे, दैट इज ईयर b2 एंड b1। जब प्रोसेस आप करते जाएंगे तो ये चेंजेस होता जाएगा, तो इस केस तो इनवर्स होगा। अब वर्किंग रूल क्या होगा, सबसे पहले वर्किंग रूल की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम वर्क करेंगे, सिंपल, ध्यान रखिएगा वर्किंग रूल्स की बात कर रहे हैं हम, कि वर्किंग रूल्स हमारा क्या होगा। तो ए कोई मैट्रिक्स होगी, उसको हम रिड्यूस करना है, तो हम कंसिडर करेंगे, आप यहां पर कंसिडर, ठीक है, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक, आई ए, आई का जो मैट्रिक्स ए है, आई क्या है आपका, आई इज इक्वल टू है आपका यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या होगा, ये इसके ऑर्डर के इक्वल्स होगा, इनवर्स निकाल रहे हैं तो स्क्वायर ही होगा, इसका ऑर्डर मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा, ये ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप ए इज इक्वल टू आई ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम अगर खुद से मल्टीपल करते हैं तो हमें सेल्फ मैट्रिक्स मिलता है, दैट इज द वन, ठीक है। अब नीचे आइए, बहुत बेसिक समझिएगा, ए हियर इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझना है, हियर आई, ठीक है, और इनटू ए कर देते हैं। अब देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या रहेगा, ए इस लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स पे क्या करना है और इसको एट इट इज वर्कआउट करना है।
तो यहां पे हम परफॉर्म करेंगे रो ट्रांसफॉर्म टू रिड्यूस इट टू आई, ठीक है। मतलब यहां पर आपको करना है रो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, अप्लाई रो ट्रांसफॉर्म, ध्यान रखें अप्लाई रो ट्रांसफॉर्म्स टू रिड्यूस, ठीक है, टू रिड्यूस इट टू आइडेंटी मैट्रिक्स। आइडेंटी मैट्रिक्स मतलब ये, ठीक है, यहां पर सिंपली कर सकते हैं अप्लाई रो ट्रांसफॉर्म टू रिड्यूस इट टू आई, मतलब आइडेंटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स में इसको बदलना है, ठीक है। तो अब यहां पर जो स्टेटमेंट होगा यहां पर बहुत ध्यान से रखिएगा, कह देंगे अप्लाई, ठीक है, अप्लाई सेम सेम रो ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्म टू टू रिड्यूस इट टू बी, कोई बी मैट्रिक्स यहां पर बनेगी, और हियर इस वाले को हम एट इट इज डाउन कर लेंगे ए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब इसको टोटली अप्लाई करके हम इसको रिड्यूस कर लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। हियर जो एक को मैट्रिक्स ये बन जाएगा बी, हियर इज इक्वल टू ए हो जाएगा आपका सिंपली, ठीक है, ये हमें फॉर्मेट मिलेगा, तो दैट इज फॉर्मेट मिलेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहां से हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बी इज इक्वल टू आपका ए इनवर्स फाइंड आउट होगा, ठीक है। क्या है, हम कैसे एक एक करके वर्क वाइज स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे ये समझना है, ठीक है। तो देखिए जो पॉइंट टू पॉइंट हमें वर्क करना है स्टूडेंट उसको भी समझे। यहां पे क्या करना है आपको, टू रिड्यूस रिड्यूस ए, जो मैट्रिक्स ए है, टू आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका वर्कआउट है। कैसे करना है आपको, अप्लाई करना है आपको अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है, इसको ध्यान रखिएगा, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे हम, स्टेप वन, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे आप, देखिए आपका स्टेप फर्स्ट होगा गेट ए वन वन इज इक्वल टू वन, ठीक है, समझ में आ रही बात, गेट ए वन वन इज इक्वल टू वन, ओके। अब आगे स्टेप टू, स्टेप टू में क्या होगा, देखिए गेट जीरोज, ठीक है, जीरोज बिलो बिलो ए वन वन ए वन वन यूजिंग यूजिंग आर वन, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स होगी, जैसे मान लीजिए हमारे कोई मैट्रिक्स इस तरह के फॉर्मेट में है, दैट इज यर ए वन वन ए वन टू और ए वन थ्री, और फिर ये आपका टू वन टू टू एंड टू थ्री एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री वन थ्री टू एंड थ्री थ्री। तो सबसे पहले जो एक एक पॉइंट ऑफ स्टूडेंट है उसको समझो आप, पॉइंट ये क्या होगा, ए वन वन को आपको क्या करना है, वन करना, मतलब इस वाले पॉइंट्स को आपको क्या करना है, वन करना, पहला फर्स्ट एलिमेंट। और उसके बाद कह रहा है कि गेट जीरो बिलो द एलिमेंट ऑफ ए वन वन यूजिंग आर वन, जैसे ये आपका आर वन रो है, दैट इज द आर टू रो है एंड आर थ्री रो है, तो इसका यूज करके इन दोनों को जीरो करना है, मतलब आर टू के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो करना है, आर थ्री के फर्स्ट एलिमेंट्स को जीरो कर देना है आपका, ठीक है। अब जीरो करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, स्टेप नंबर थ्री। अब क्या करेंगे, गेट, ठीक है, गेट जो आपका होगा ए टू टू इज इक्वल टू वन, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी इसको आइडेंटिटी में बदलना है, मतलब किस फॉर्मेट में बदलना है, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, इस फॉर्मेट में इस वाले को चेंज आपको करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो गेट ए टू टू इक्वल टू वन अब हमें बनाना है, ठीक है, विदाउट यूजिंग R1, without using R1, R1 का यूज करना नहीं है, without using R1, ठीक है।
अब अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, स्टेप फोर। ठीक, अब देखिए जैसे ए टू टू वन, मतलब ये वाला जो एलिमेंट्स है इसको वन कर लेंगे, तो अब इसके ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब इस वाले जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना है। तो सिंपली यहां पे लिखेंगे गेट जीरोस, जीरोस बिलो एंड अबो ए टू टू by using R2। ठीक है, R2 का यूज करके हम इसके A22 के अबो एंड बिलो जो एलिमेंट्स होगा उसको जीरो करेंगे, और फिर इसी तरह स्टेप नंबर फाइव आ जाएंगे। स्टेप फाइव फिर से क्या होगा, आप गेट A33 इज इक्वल टू वन, ठीक है, विदाउट यूजिंग R1 एंड R2, विदाउट यूजिंग R1 एंड R2, क्योंकि R1 और R2 यूज कर चुके हैं, तो विदाउट यूजिंग R1 एंड R2 का यूज करके हम गेट A33 को 1 कर लेंगे, एंड सो ऑन। अब आगे प्रोसेस ऐसे चलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ प्रोसेस हो गया, वर्किंग रूल हो गया, तो बहुत बेसिक एंड बारीक सा रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा यहां पर चीजों को, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है इस पॉइंट को। सबसे पहले हम जो भी मैट्रिक्स अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हम ये चीज कंसिडर करेंगे। आफ्टर जो यहां पर रो ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा रो ट्रांसफॉर्म टू रिड्यूस टू आई, मतलब इसमें ऐसा रो ट्रांसफॉर्म को ही अप्लाई करना है, दूसरा कुछ नहीं अप्लाई करेंगे हम, कॉलम नहीं यूज करना है आपको। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन आप इस ए वाले मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे रो, उस वही ऑपरेशन को आई पे अप्लाई करना है, और ये जो ए है वो एडिटिज डाउन हो जाएगा। तो जैसे एडिटिज करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स यहाँ क्या रिड्यूस टू बी, तो बी हो गया, और ये ऑलरेडी, और फिर आई इज इक्वल टू, सो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स फाइंड होगा, मतलब जो बी मैट्रिक्स होगी हमारी ए इनवर्स हो जाएगी। तो सिस्टम ऑफ प्रोसेस ये हमारा हो गया। अब ये स्टेप हो गया कि कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, कैसे वर्कआउट करना है, तो आइए अब इस पर हम इसको करते हैं जिससे कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं, 3-3, 4, 3-3, 4 एंड 2-3, 2-3, 4 एंड हियर 0-1 एंड 1-1 एंड ये दैट इज द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है बट यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, फाइंड यहां पे आपका रहेगा, दिस इज द फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग दिस। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट ए इज इक्वल टू आई ए। अब आई ए मतलब इसका 3x3 ऑर्डर है, तो 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे, दैट इज अ 3x3 है। तो अब यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड्स में है, यहां पर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसको हम लिखेंगे सिंपली। तो 3x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें यहां पर लिखना है, सिंपल जो बेसिक फंडामेंटल यही है। तो ए जो हमारा है 3-3, 4, 2-3, 4 एंड दिस इज 0-1 एंड 1। ठीक, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x3, 1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 0-0, 1 और दैट इज द ए को हम एट इट इज राइट अप करेंगे। ध्यान रखिएगा ए हमारा कैसे राइट अप होगा, एट इट इज राइट अप होगा यहां पर। अब बेसिक जो रिजल्ट होगा, सबसे पहला स्टेप जो क्या है आपका, कि गेट A11 को 1 करना है, सिंपल A11 को हमें 1 करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, बहुत बारीक से समझिए, दैट इज R1, दैट इज R2 एंड R3। तो ये जो एलिमेंट्स है इस प्लेस पर, जो 3 वाला एलिमेंट्स है इसको 1 करना है। तो सिंपली आपको दिख रहा है कि अगर हम R1 को रिप्लेस कर दें R1-R2 से,
अब सिर्फ ध्यान रखिएगा रो ट्रांसफॉर्मेशन को ही यूज करना है स्टूडेंट। तो आर वन को रिप्लेस कर दिया आर वन माइनस आर टू से, तो अब इधर पहले लेफ्ट में क्या चेंजेस होगा ये देखिए, थ्री में से टू को माइनस कर देंगे वन आ जाएगा, यहां माइनस थ्री है ठीक है, और यहां जब माइनस आप करोगे तो प्लस थ्री में कन्वर्ट होगा, सो इट विल बी जीरो। फोर माइनस फोर क्या होगा, जीरो हो गया। यहां पे देखिए दिस इज टू माइनस थ्री फोर एट इट इज जीरो माइनस वन एंड वन एट इट इज। अब राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है जो ऑपरेशन यहाँ हियर लेफ्ट में अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे। तो कह रहा है कि आर वन माइनस आर टू है तो वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस वन तो यहाँ पे माइनस वन आएगा और हियर जीरो, बाकी नेक्स्ट इज जीरो वन जीरो 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 वन और दिस इज द ए। ओके अब नेक्स्ट वर्क आता है आपका कि अगला स्टेप कैसे करेंगे आप। अब इस जो सेकंड एलिमेंट है ये वाला ए टू है इसको जीरो करना है, मतलब गेट जीरो जीरो बिलो बिलो ए वन वन के बिलो जीरो करना, मतलब इस ए टू टू एलिमेंट्स को जीरो करना है और ये थर्ड वाला जीरो है तो सिंपली यहां पे ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो जाएगा, आर टू को रिप्लेस कर दीजिए आर टू माइनस टू आर वन से ठीक है, मल्टीपल करके रिप्लेसमेंट। आइए देखते हैं रिप्लेसमेंट करके, तो आर वन एट इट इज मतलब वन जीरो जीरो ठीक। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए जीरो हो जाएगा, यहां पर चूंकि कुछ नहीं है तो माइनस थ्री और यहां पर फोर एट इट इज रहेगा जीरो माइनस वन एंड वन इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड आर टू को रिप्लेस किया है आर टू माइनस टू आर वन, तो यहां पर पहले फर्स्ट रो का एट इट इज लिख लीजिए वन माइनस वन एंड जीरो। सेकंड रो में देखिए बहुत बेसिक सा, जीरो में से इसमें पहले फर्स्ट रो में टू से मल्टीपल करना है माइनस करना है तो यहां पे आएगा माइनस टू, यहां पे वन है और यहां पे माइनस वन है तो माइनस टू से गुणा करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस टू और फिर ऐड कर देंगे तो माइनस मतलब टोटल थ्री आ जाएगा और जीरो यहां पे एडिटिज रहेगा। थर्ड रो एडिटिज है दैट इज द वन और दिस इज इन टू ए। ओके अब नेक्स्ट स्टेप जो इस यहां से हम लिखते हैं, यहां पर हमें क्या करना है गेट ए टू टू को वन करना है, सिंपली ए टू टू को वन करना है आपको, पहला टारगेट आपका यही है ए टू टू को वन। देखिए ए टू टू को वन मतलब ये थ्री वाला कंसेप्ट है, इसको वन करना है लेकिन कॉलम यूज नहीं करना है सिर्फ रो को यूज करना है आपको, समझ में आ रही बात। तो सिंपली हम क्या करते हैं आर टू और आर थ्री को पहले रिप्लेस कर लेते हैं, सिंपल आर थ्री एंड आर टू एंड आर थ्री को आपस में रिप्लेस कर लो आप। तो देखो वन जीरो 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 माइनस वन एंड वन और फिर जीरो माइनस थ्री फोर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वन माइनस वन जीरो। अब ये रिप्लेस हो रहा है तो मतलब यहां पे जीरो जीरो वन ये वाला जो है आपस में अल्टरनेट हो जाएगा यहां से और यहां पे आ जाएगा माइनस टू थ्री और जीरो और इनटू में ए आ गया। अब इसको वन करना है तो फिर हम क्या करेंगे आर टू को रिप्लेस कर देंगे माइनस आर टू से, सिंपल तो दैट इज द इंपॉर्टेंट वन जीरो 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 वन माइनस वन और फिर यहां पे जीरो माइनस थ्री फोर लेफ्ट हैंड साइड हियर आप आ जाए वन माइनस वन जीरो। अब इसमें माइनस से गुणा किया तो जीरो जीरो यहां पे माइनस वन आ जाएगा माइनस टू थ्री जीरो और इनटू में ए। अब क्या करना है नेक्स्ट गेट जीरो बिलो एंड अबो ऑफ ए टू टू, तो ए टू टू के अबो तो जीरो है बिलो जीरो करना है, इस वाले को जीरो करना है आपको ठीक है। तो अब आर थ्री को सिंपली रिप्लेस कर दीजिए आर थ्री प्लस आर थ्री प्लस थ्री आर टू से ठीक है। तो ए अब इसको यहां पे रिप्लेस कर दीजिए देखिए क्या मिल सकता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट वन जीरो 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 वन माइनस वन ठीक है जीरो वन हो गया माइनस वन एट इट इज यहां पर जीरो। अब देखिए माइनस थ्री और इसमें से प्लस किया है तो ये जीरो हो जाएगा माइनस थ्री और इंटू थ्री करके कर दिया प्लस और फोर यहां पे है और इसमें माइनस थ्री आ जाएगा तो हो जाएगा यहां पे वन आ जाएगा। ओके दिस इज इंपॉर्टेंट राइट हैंड साइड्स वन माइनस वन जीरो
अब चेंज किसको कर रहे हैं हम, आर थ्री को, तो दिस इज जीरो जीरो माइनस वन एंटिटीज। अब इसमें क्या किया है, आर थ्री को जो ये आर थ्री रो है इसमें टू जीरो थ्री से मल्टीपल करना है, तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे माइनस टू आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है। अब इस पोर्शन पे थ्री है, एड भी करना है तो यहाँ थ्री कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री, जीरो और माइनस थ्री इंटू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको टारगेट करना। अब इस वाले को जीरो करना है, जो साइड में है इसको जीरो कर देना है पहले, ठीक है, जो साइड है ए थी थ्री के अबो भी कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट है कि ए थी थ्री के अबो, ठीक है, ये ए थी थ्री के अबो वाला जो एलिमेंट्स है इसको जीरो करना है, सिंपल। तो पहले ए थी थ्री वन हो गया, अब इसको जीरो करना है इस वाले को, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो आर टू है आर टू को रिप्लेस कर दीजिए आर टू प्लस आर थ्री से, सिंपल आर टू को आर थ्री से रिप्लेस कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलता है, वन जीरो 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 वन, वन प्लस जीरो खत्म, माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो जीरो वन, लेफ्ट राइट हैंड साइड वन माइनस वन जीरो। अब देखिए इसको ऐड करना है आपको, तो जीरो माइनस टू कितना होगा, माइनस टू, जीरो और थ्री कितना हो गया थ्री, माइनस वन माइनस थ्री हो गया यहाँ पे माइनस फोर, और दिस इज द माइनस टू थ्री माइनस थ्री, और इनटू में ए मिल गया आपको, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब आगे का जो सिस्टम बनेगा हमारा यही बनेगा सिस्टम ऑफ, ठीक है, वन माइनस वन जीरो आ गया, माइनस टू थ्री माइनस फोर और माइनस टू थ्री। तो अब देखिए जो फॉर्मेट बना, स्टूडेंट बहुत ध्यान से रखिए, दिस इज ये क्या मिला आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये जो मैट्रिक्स है आपकी बी हो गई और ये आपका ए है, ठीक है, सो दैट इज आइडेंटिटी मिल गया। सो बी इज इक्वल टू आपका क्या है, ये इनवर्स, ठीक है, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू जो ये मैट्रिक्स बी है यही आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो बी इनवर्स जो हो गया आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू जो फाइंड आउट हो गया वन माइनस वन जीरो, माइनस टू थ्री माइनस फोर, माइनस टू थ्री माइनस थ्री, दैट इज द प्रोसेस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वर्क। तो आपका ये हो गया क्वेश्चंस, तो अब इसको आप हल सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए एक आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसको आप ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मुझे बताने की, ठीक है। तो वन वन टू, वन टू टू, ठीक है, माइनस वन वन एंड वन, एंड थ्री माइनस टू वन, ठीक है। आपको इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।